जी अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है रिगार्डिंग मतलब के यूनिवर्सिटी ओपनिंग का। तो मतलब के पहले भी वो आ चुका था, उसके अंदर मतलब काफ़ी मिस्टेक्स थी, तो हमने सोचा कि मतलब के फेक होगा, लेकिन अब वो उन्हें करेक्शन करके अब वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। क्योंकि ये देखें, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेज IUB का ये पेज है, तो ये डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मतलब के इनके डीन है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के। और उसके अलावा ना मतलब के जो भी ऑफिशियल न्यूज़ होती है ना VC साहब के बाद वो एनक वाले हैं, उनकी मैं ऑलरेडी वीडियोज भी अपलोड कर चुका हूँ, तो उनका ये मैनेजमेंट का पेज है, तो इधर अपलोड हो चुका है, ये देखें आप लोग खुद। तो ये है देखें कि रीओपनिंग ऑफ द इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर, तो ये इनका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम इसके अंदर डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर लिखा क्या क्या हुआ है। यार मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया, बाकी आप लोग इसको हम रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल मिस्टेक थे वो इधर मतलब के रजिस्ट्रार ऑफिस के सिग्नेचर नहीं हुए थे, और इधर ये छठा मंथ की जगह पांचवा मंथ लिखा हुआ था, मीन्स का जो डेट गुजर गई है वो लिखी हुई थी। और उसके अलावा ये लोगों का इशू बन रहा था, ये ग्रीन कलर का था, वैसे होता ज्यादातर ब्लू कलर का है। तो फिलहाल ये ऑफिशियली हर जगह अनाउंस हो गया है और मजीद फिर ये कंफर्म है। और उसके अलावा सब्जेक्ट रीओपनिंग ऑफ द इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर और NCOC की मीटिंग थी 19 तारीख को, तो उसके अंदर हमने डिसाइड किया था। फिर उन्होंने 21 तारीख को दोबारा किया और उसके अंदर मेंशन किया कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है ना ऑल कैंपसेस की, तो वो इंक्लूडिंग भावनगर हिमयार खां भी इसके अंदर आते हैं। मतलब के सस्पेंडेड मतलब के 6 जून तक बंद रहेंगे, मतलब के सस्पेंड रहेंगे, मतलब के कुछ नहीं ओपन होगा, क्योंकि ये हाईली पॉजिटिव रेशियोज में आते हैं, भावलपुर आता है ना ये, इसका 5% से ज्यादा आता है भावलपुर। तो जो दूसरी है इनके, तो वो उसके अंदर आते हैं कि मतलब कि उन लोगों के लिए ओपन है जो रिसर्च वगैरह रिसर्च लैब वर्क कर रहे हैं, थीसिस कर रहे हैं, ग्रेजुएट के मतलब कि आखिरी सेमेस्टर वाले और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं वो अपने कैंपस में आके अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। और वो COVID-19 अब तो 21 आ गया, 21 भी आधा खत्म हो गया, COVID-19 को फॉलो करते हुए तो वो SOPs को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि ये हायर एजुकेशन HEC की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ से ये नोटिस आया पड़ा है। और तीसरी ये है कि द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू रिमोट एरियाज, मतलब कि जो रिमोट एरियाज से हैं मतलब कि जिधर से वो क्लासेस नहीं ले सकते इंटरनेट इश्यूज, तो वो अपनी हॉस्टल में रह सकते हैं, उन्हें अलाउ है, और वो अपनी मतलब कि मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, हॉस्टल में रह सकते हैं। हाँ एक और मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, हॉस्टल में रहने का प्रोसीजर ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप आएंगे सामान भी साथ लाएंगे और अपने HOD के साथ पास के HOD साहब के पास जाके एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके अंदर बताएंगे कि मैंने ना मेरा ये इशू है और मैं हॉस्टलाइज होना चाहता हूँ, तो फिर वो जैसे सिग्नेचर करेंगे तो आप इजीली रह सकते हैं अपने हॉस्टल में। और उसके अलावा जी टीचिंग मतलब जो भी टीचिंग है नॉन टीचिंग स्टाफ है, लाइक जिस तरह क्लर्क हो गए, उसके अलावा और कौन होते हैं, लैब अटेंडेंट हो गए, उसके अलावा रिसर्च वाले हो गए, मतलब कि टीचर हैं जो प्रोफेसर हैं 19 जो भी जिन भी ग्रेड्स के सभी लोग वो आएंगे, दर्जा चहारम के लोग भी SOPs को फॉलो करते हुए और वो अपना काम सर अंजाम देंगे। और जो मेन पार्ट है पांचवा, दी फिजिकल क्लासेस शैल इंशाल्लाह 7 से मतलब के ओपन किए जाएंगे टाइम टेबल के लिहाज से 3 फेजेस में, मॉर्निंग ये देखें मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड अल्टरनेट डेज। नोटिफिकेशन की ये डेट है मतलब के NCOC की, तो विद इन मिनट्स और मतलब सेफ्टी मेजर को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइजर चूज करना है मतलब के कोरोना से बच सके। मतलब के अथॉरिटी से अप्रूव्ड है मतलब के डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से, तो इसके अंदर ये मतलब के बंदे वेरीफाई करके मतलब के टेस्टेड करके तो ये दिया हुआ है। तो यार ये सीन है सारा यूनिवर्सिटी ओपनिंग का। फिलहाल कल मीटिंग है, कल मीटिंग भी है, तो उसके अंदर शायद कोई वीडियो मतलब के दे दी जाए, वीडियो नहीं तो नोटिफिकेशन जारी होगा। कल का दिन भी आप इंतजार करें और देखेंगे क्या सीन बनता है। बाकी उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मजीद मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया दुआओं का, और मजीद जैसी कल वीडियो आएगी वो भी मैं अपलोड कर दूंगा।
और जो भी मतलब के बात है मैं आपसे क्लियर कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।